हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ सब्जेक्ट क्लास सेकेंड। सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली। सो लेट्स कंटिन्यू डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 5.3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.4। बट बिफोर स्टार्ट एक्सरसाइज वी हैव टू लर्न सम थिंग्स एज टर्म यूज इन डिवीजन, यानी डिवीजन में क्या क्या टर्म यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे बच्चों, द नंबर इज 15 डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3, यानी एक नंबर 15 जो 5 से डिवाइड किया जाता है तो हमारा आंसर 3 आता है। ठीक है, जैसे 15 डिवाइड 5, 15 को 5 से डिवाइड किया गया तो आंसर क्या है, 3। तो जो डिवाइड होता है वो डिवाइडेंड होता है, यानी जिसे हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहां पर 15 को डिवाइड किया गया तो वो डिवाइडेंड कहलाता है, और डिवाइजर क्या होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर, और जो आंसर आता है वो हमारा क्यूटेंट होता है। ठीक है, जो आंसर आता है वो क्या होता है, क्यूटेंट। ठीक है, अब जैसे डिवाइडेंड क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्डर, अदर वर्ड्स द नंबर विच इज डिवाइडेड इज द डिवाइडेंड। ठीक है, हाँ, तो वही बात है जो मैंने बताई, जो नंबर डिवाइड किया जाता है उसे ही डिवाइडेंड कहते हैं। ठीक है, और डिवाइजर, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच इक्वल ग्रुप, इन अदर वर्ड्स द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड द डिवाइजर। तो जो नंबर डिवाइड करता है वह डिवाइजर कहलाता है। क्यूटेंट क्या होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स, इन अदर वर्ड्स द रिजल्ट ऑफ द डिविजन इज कॉल्ड द क्यूटेंट। ठीक है, तो डिविजन का रिजल्ट होता है उसे हम क्यूटेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये रिजल्ट आया तो क्यूटेंट है। ठीक है, तो सही में आ गया। आगे देखो बच्चों, अ डिवाइडेंड डिवाइड डिवाइजर इज इक्वल टू क्यूटेंट। तो जब डिवाइडेंड को डिवाइड किया जाता है डिवाइजर से तो क्यूटेंट आता है। जैसे यहाँ डिवाइडेंड को, यहाँ कोई भी नंबर हो जिसे हम डिवाइड करें तो वो डिवाइडेंड कहलाएगा। किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, जो भी आंसर आ रहा है वो क्यूटेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है इन 16 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 8, यानी 16 डिवाइड 2 करता है, यानी 16 को 2 से डिवाइड किया जाता है तो 8 आता है। इसमें क्या है कि 16 इज द डिवाइडेंट, 16 डिवाइडेंट है, 2 इज द डिवाइजर, 2 डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है, 8 इज द क्यूटेंट, और 8 क्यूटेंट है। ठीक है, जो हमारा आया आंसर, तो बस यही है। इन ए डिविजन प्रॉब्लम डिवाइडेंट इज इक्वल टू 35, डिवाइजर इज इक्वल टू 5, क्यूटेंट इज इक्वल टू 7। राइट द डिविजन फैक्ट इन द फॉलोइंग, डिवाइडेंट डिवाइड डिवाइजर इज इक्वल टू क्यूटेंट। तो ये क्या हो जाएगा, 35 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो द डिवाइजन फैक्ट, द डिविजन फैक्ट फॉर द अबव डिविजन प्रॉब्लम इज 35 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस तरह से हमें डिविजन फैक्ट को शो करना है। अब बच्चों एक्सरसाइज हमारी 5.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द डिवाइडेंट, डिवाइडेंट को पहचानिए, डिवाइजर एंड क्यूटेंट, और डिवाइजर और क्यूटेंट को पहचानिए, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और इस स्थान की पूर्ति कीजिए इन द फॉलोइंग डिवीजन प्रॉब्लम्स, निम्नलिखित डिवीजन प्रॉब्लम्स में। जैसे नंबर 1 है, नंबर ए है 32 डिवाइड्स बाय 4 इज इक्वल टू 8। तो हमें यहाँ पर लिखना है डिवाइडेंट क्या है, डिवाइजर क्या है, क्यूटेंट क्या है, ये हमें यहाँ पर राइट करने हैं। तो जब 32 को 4 से डिवाइड किया गया क्या आया, 8 आया। ठीक है ना, 32 को डिवाइड किया गया 4 से इज इक्वल टू 8 आया। तो डिवाइडेंट क्या है, तो जो डिवाइडेंट यहाँ पर होगा 32, और डिवाइजर क्या होगा 4, और क्यूटेंट क्या होगा 8। ठीक है, तो डिवाइडेंट हो गया 32, डिवाइजर हो गया 4, क्यूटेंट हो गया 8। ठीक है, डिवाइडेंट 32, डिवाइजर 4 हो गया, और क्यूटेंट हो गया 8। क्लियर हो गया, इजी है। ऐसे ही 28 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 4। तो जी यहाँ पर डिवाइड किसे किया जा रहा है, 28 को, कौन डिवाइड कर रहा है, 7, क्या आ रहा है 4। तो यहाँ पर डिवाइडेंट क्या होगा, जिसे डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइड किसे किया जा रहा है, 28 को। डिवाइजर क्या होगा, जो डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, 7, तो 7 यहाँ पर डिवाइजर है। और रिजल्ट क्या आ रहा है, 4, तो 4 क्या हो गया, क्यूटेंट। ठीक है, तो डिवाइडेंट में राइट करेंगे 28, और डिवाइजर में राइट करेंगे 7, और क्यूटेंट में राइट करेंगे 4। क्लियर हो गया है।
ऐसे ही 50 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 5, यानी 50 को 10 से डिवाइड किया गया 5 आया, 50 को डिवाइड किया गया यानी डिवाइडेंड 50 है, 10 से डिवाइड किया यानी डिवाइजर 10 है, रिजल्ट 5 आया यानी क्यूटेंट 5 है। तो डिवाइडेंड हो गया हमारा 50, डिवाइजर हो गया 10, क्यूटेंट हो गया 5। क्लियर, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो राइट मीन्स लिखिए द डिवीजन फैक्ट, डिवीजन फैक्ट लिखने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन प्रॉब्लम्स, यानी डिवीजन प्रॉब्लम के लिए डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं। जैसे डिवाइडेंट इज इक्वल टू 14 और डिवाइजर इज इक्वल टू 7, क्यूटेंट इज इक्वल टू 2। अभी तो बच्चों हमने डिवीजन फैक्ट से यहाँ पर पहचाने के डिवाइडेंट, डिवाइजर और क्यूटेंट राइट किए थे, लेकिन यहाँ पर हमें डिवाइडेंट, डिवाइजर और क्यूटेंट राइट किए हुए दिए हैं और हमें यहाँ पर डिवीजन फैक्ट राइट करना है। तो बच्चों डिवाइडेंट को हम पहले लिखते हैं, फिर डिवाइजर लिखते हैं डिवाइड करके, फिर इज इक्वल टू में 2 राइट करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइडेंट क्या है 14 है, तो 14 हमने राइट किया, फिर डिवाइड हो रहा है किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर क्या है 7, तो 7 से डिवाइड हो रहा है, और क्यूटेंट क्या राइट 2, तो इज इक्वल टू में क्या जाएगा 2, तो हमारा हो गया 14 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 2। इजी है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। बी क्वेश्चन है डिवाइडेंट इज इक्वल टू 40, डिवाइजर इज इक्वल टू 8, क्यूटेंट इज इक्वल टू 5। तो अच्छा डिवाइडेंट हमारा कितना है, डिवाइडेंट है 40, डिवाइजर है 8, क्यूटेंट है 5। ठीक है, तो अच्छा डिवाइडेंट 40 हो गया, तो हमें बच्चों यहाँ पर 40 राइट करना है, डिवाइजर 8 है तो यहाँ 8 राइट करना है, और क्यूटेंट है 5 तो यहाँ 5 राइट कर देंगे। ठीक है, तो 40 डिवाइड 8 इज इक्वल टू 5, 40 को 8 से डिवाइड किया गया 5 आया। उसके बाद डिवाइडेंट इज इक्वल टू 54, डिवाइजर इज इक्वल टू 9, क्यूटेंट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर बच्चों हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा जो डिवाइडेंट है, यहाँ आएगा जो डिवाइजर है, यहाँ आएगा जो क्यूटेंट है। तो बच्चों डिवाइडेंट 54 को डिवाइड किया जाएगा 9 डिवाइजर से, और रिजल्ट में क्या आएगा 6। तो यहाँ पर आएगा 54, ये डिवाइड किया गया 9 से, और क्यूटेंट में आएगा 6। ठीक है, तो बच्चों हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किए, आपको पता चल गया होगा कि डिवाइडेंट, डिवाइजर और क्यूटेंट क्या होता है, किस तरह से हम इसको डिवीजन फैक्ट में लिखते हैं। ठीक है, सारी इन जानकारी आपको मैंने बता दी है, और बहुत इजी एक्सरसाइज थी, केवल आइडेंटिफाई करना था डिवाइडेंट, डिवाइजर और क्यूटेंट को, बहुत इजी है, ना ही इसमें हमें कोई मल्टीप्लाई, डिवाइड या ऐड करना है, बस खाली आइडेंटिफाई करना है और डिवीजन फैक्ट राइट करना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना वर्क पूरा करते रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें।